वाई फैक्टर विद योगेश मिश्रा। वाई फैक्टर में आपका स्वागत है, मैं हूँ योगेश मिश्रा। कभी भारतीय जनता पार्टी का यह लोकप्रिय नारा था, राम लला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे। बीते 26 सालों से भारतीय जनता पार्टी इसी नारे के कटघरे में लगातार खड़ी की जाती रही है, लेकिन इन दिनों दिल्ली में संतों और धर्माचार्यों की बैठक में मंदिर पर बातचीत हो रही है। आगामी कुंभ में मंदिर की रूपरेखा तैयार करने का जिक्र हो चला है। शिया वक्फ बोर्ड के वसीम रिजवी को भगवान राम सपने में नजर आने लगे हैं। धर्माचार्य और महंत अयोध्या में आमन अनशन करने लगे हैं, हालांकि उनका अनशन तोड़वा दिया गया है। कभी विहिप के नेता रहे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हर सवाल पर घेरने वाले प्रवीण तोगड़िया इन दिनों अयोध्या कूच का ऐलान करने लगे हैं। यही नहीं, कभी मंदिर आंदोलन से जुड़े रामविलास वेदांती, विनय कटियार, उमा भारती सरीखे बड़े नेता ही नहीं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या में दिवाली मनाने लगे हैं। अयोध्या उनके केंद्र में आ गया है। भाजपा के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ट्वीट करने लगे हैं कि जल्दी मंदिर बनेगा। इन सब सवालों में, इन सब बातों में, इन सब बयानों में बीते दिनों की तरह सिर्फ दोहराव नहीं है, इनमें बीते दिनों की तरह पुनरावृत्ति नहीं है, इनमें आश्वस्ति भाव है जिसमें मंदिर निर्माण का पक्ष दिखता है। पुरातत्व विभाग द्वारा कराई गई खुदाई में मिले अवशेषों ने यह तो साबित कर ही दिया है कि मस्जिद जो तामीर कराई गई थी वो मंदिर को तोड़कर तामीर कराई गई थी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के लखनऊ खंडपीठ से जो फैसला आया है 2.77 एकड़ जमीन के टुकड़े का, उसमें 2/3 हिस्सा हिंदुओं के पक्ष में है, 1/3 हिस्सा मुसलमानों के पक्ष में, अल्पसंख्यकों के पक्ष में जाता है। बीते दिनों सर्वोच्च अदालत ने एक फैसले में यह साफ कर दिया है कि मस्जिद नमाज का अभिन्न हिस्सा नहीं है, यानी विवादित स्थल पर नमाज नहीं पढ़ी जा सकती है। सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले में हिंदू पक्ष मंदिर बनने की उम्मीद का पाठ पढ़ सकता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने 30 सितंबर 2010 को अपने आदेश में अयोध्या के विवादित स्थल को 2:1 के अनुपात में हिंदू और मुस्लिम पक्षकारों के बीच में विभाजित कर दिया। उच्च न्यायालय ने विवादित स्थल के गुंबद क्षेत्र को, जहां अस्थायी ढांचे में रामलला विराजमान है, हिंदू पक्ष को आवंटित किया। यही नहीं, जिस ढांचे को 6 दिसंबर 1992 को कारसेवकों ने ध्वस्त कर दिया था, उसके निकट का राम चबूतरा और सीता रसोई का हिस्सा निर्मोही अखाड़े के हक में चला गया। सुन्नी वक्फ बोर्ड को विवादित जमीन का बाहरी 1/3 हिस्सा ही हासिल हो पाया। उच्च न्यायालय ने राम मंदिर की याचिका में टाइटल सूट निपटाने की जगह जमीन को दावेदारों के बीच संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति के सिद्धांत के अनुसार बंटवारा कर दिया। वर्तमान में केंद्र सरकार इस पूरे जमीन की रिसीवर है, इस क्षेत्र के प्रशासन और यथास्थिति के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। सरकार ने 1993 में अयोध्या अधिनियम के तहत विवादित क्षेत्र और उसके आसपास की 68 एकड़ जमीन अधिग्रहित की थी। इन दिनों उच्चतम न्यायालय इन 3 हिस्सों में भूखंड को किए जाने के उच्च न्यायालय के फैसले पर सुनवाई कर रहा है। इसी समय मंदिर से जुड़े लोगों का मंदिर बनने की बात का बयान आना। राम भक्त के नाते मैं भी चाहता हूँ भव्य मंदिर बने और जल्द बने, क्योंकि वर्तमान में मामला सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है और हम सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का इंतजार भी कर रहे हैं। धर्माचार्य इकट्ठे हुए दिल्ली में, देश के जो मूर्धन्य संत हैं वो इकट्ठे हुए और उन्होंने मोदी को याद कराया कि यहाँ जनता ने आपको राम मंदिर निर्माण के लिए भेजा है, आप केंद्र में बहुमत, प्रांत में भी बहुत भाजपा की सरकार है, इसलिए अविलंब मंदिर का निर्माण होना चाहिए। और उन्होंने कहा कि जो सर्वोच्च समिति है वो अयोध्या के मंदिर के निर्माण के संबंध में निर्णय लेगी। अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर निर्माण का फैसला अब जल्दी हो जाना चाहिए। राम मंदिर का निर्माण, भव्य मंदिर का निर्माण हो, उसके लिए मुझे जो करना पड़ेगा वो मैं अवश्य करूंगी। अयोध्या के लिए, गंगा के लिए, तिरंगा के लिए मैं कोई भी सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। ना मैंने कभी खेद व्यक्त किया है, ना मैंने कभी माफी मांगी है, मैंने हर बात को बिल्कुल स्पष्ट कहा है।
I have already said it should be before Diwali. I hope I can do it still before Diwali. You would want it before Diwali? I would like it, the construction to start before Diwali. श्री राम जन्मभूमि से जुड़ा हुआ जो कथित विवाद है, जितनी जल्दी इसका समाधान हो जाए वो देश के सौहार्द के लिए और समृद्धि के लिए आवश्यक भी है और देश की बहुसंख्यक जनता इस मामले का अविलंब समाधान भी चाहती है। मैं चाहता हूँ संघ के संयोजक के नाते, संघ के सरसंघ चालक के नाते और राम जन्मभूमि आंदोलन के एक हिस्से के नाते कि राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर जल्दी बनना चाहिए। भाजपा ने जो संकल्प लिया था उस संकल्प के आधार पर भाजपा मंदिर बनाने का काम करेगी और मुझे विश्वास है 2019 के चुनाव से पहले अयोध्या में मंदिर का निर्माण प्रारंभ हो जाएगा। लोकसभा चुनाव में उतरने की भाजपा की तैयारियों के बीच क्या यह समझना इससे आसान नहीं हो जाता है कि भाजपा अपने शक्ति केंद्र अयोध्या, मथुरा, काशी से फिर संजीवनी लेना चाहती है। हालांकि काशी और मथुरा नेपथ्य में है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को संजीवनी की उम्मीद या जनता को भारतीय जनता पार्टी से संजीवनी मिलने की उम्मीद सिर्फ और सिर्फ अयोध्या से हो सकती है। अभी तक जो कुछ है, जिस तरह के बयान आ रहे हैं, उससे साफ लगता है कि मंदिर आंदोलन किसी अंतिम परिणति में पहुंचने वाला है। मंदिर निर्माण किसी फैसलाकुन स्थिति में है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास इस चुनाव में जो कहा सो किया के लिए इससे बड़ा, इससे महत्वपूर्ण, इससे साख वाला कोई मुद्दा नहीं है। मुझे लगता है कि जो संदेश आ रहे हैं, जो बयान आ रहे हैं, जो लोगों के मूवमेंट दिख रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं कुछ न कुछ एक बड़ी उम्मीद है। अब ये उम्मीद ज़मीन पर कब उतरती है, यही देखना है। नमस्कार।